हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो देखिए फ्रेंड्स आज ये टू कलर का एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न मैं आप लोगों के लिए लिख कर आई हूँ इस पैटर्न को आप बच्चों के लिए फुल कार्डिगन या हाफ स्वेटर वगैरह में बना सकते हैं और कोई भी दो कलर की कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है और बहुत ही ईजी है बिजनेस के लिए स्पेशली ये बहुत ईजी डिज़ाइन है इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ कलर चेंज करके इसमें उल्टी और सीधी सिलाइयाँ बनानी है चार सिलाइयों का डिज़ाइन है और देखिए फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को आप जेंट स्वेटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसका वाइट के साथ ग्रे या फिर ग्रे के साथ ब्लैक कलर से बनाएंगे इसको तो ये बहुत अच्छा लगेगा जेंट स्वेटर में भी तो आइए आज इस डिज़ाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने देखिए सबसे पहले एक बॉर्डर बनाया है इसके बाद हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें फ़ोर के मल्टीपल में फंदे डालने होंगे मीन्स कि चार चार के जोड़ों में आपने फंदे डालने हैं और उसके बाद तीन फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए रो नंबर फर्स्ट से हम इसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे देखिए यहाँ पर हम अपना कलर चेंज करेंगे ये देखिए जिस कलर से आपने बॉर्डर बनाया है जो भी आपका बेस कलर है उसी कलर उसका दूसरा कलर हम यहाँ पर चेंज करेंगे उससे तो यहाँ पर हम अपना वाइट कलर लेंगे अब और देखिए तीन फंदे सीधे बनाएंगे दो तीन अभी मैं ये रो नंबर फर्स्ट से बता रही हूँ तीन फंदे हमने वाइट कलर से बनाए एक फंदा हम ऐसे वाइज स्लिप करेंगे फिर से तीन फंदे हम उसी कलर से बनाएंगे जो कलर हमारा चल रहा है इसमें वन टू थ्री फिर से हम एक फंदा स्लिप करेंगे ऐसे फिर तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे वन टू एंड थ्री देखिए इस तरह से फिर से हम एक फंदा स्लिप करेंगे फिर तीन फंदे सीधे बनाएंगे वन टू थ्री फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे वन टू थ्री फिर एक फंदा स्लिप करेंगे वन टू थ्री तो पूरी रो में अब हम इसी तरह से करेंगे तो रो नंबर फर्स्ट हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी अब आ जाइए बैक साइड पर ये इसकी बैक साइड है देखिए इसकी बैक साइड में अब हमें क्या करना है ये देखिए ये जो हमारे वाइट कलर से बनाए हुए फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से देखिए तीन फंदे जो हमने उधर से सीधे बनाए थे वो हम इधर से उल्टे बनाएंगे और जो हमारा स्लिप किया हुआ फंदा था उसको हम स्लिप कर लेंगे बाकी के फंदे बीच में जो तीन हमारे फंदे हैं उनको हम उल्टा बनाते जाएंगे ये देखिए उतारा हुआ फंदा हम वापस उसी तरीके से उतार लेंगे तो देखिए इस तरह से सेकेंड रो कम्प्लीट हो गई है अब आ जाइए रो नंबर थर्ड पर यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे देखिए जो हमने रो नंबर फर्स्ट में किया था सेम वही हमें रो नंबर थर्ड में करना है सेम उसी कलर से हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक फंदा उतारेंगे जो हमारा उतारा हुआ फंदा है वही हम उतारेंगे हर बार फिर से तीन फंदे सीधे और एक फंदा उतार लेंगे तो पूरी तो में हमें यही करते जाना है देखिए रो नंबर थर्ड इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद आ जाइए रो नंबर फोर्थ पर यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन जो है हमारा चेंज होगा इसी से हमारा डिज़ाइन भी बनकर आएगा और ये हमारे इस पैटर्न की लास्ट रो है फोर रोज का ही डिज़ाइन है तो देखिए जो फंदे हमने उधर से सीधे बनाए थे वो हमें इधर से भी सीधे बनाने हैं टू थ्री ये देखिए बना लिए इसके बाद जो उतारा हुआ फंदा था इसको अब भी हम यहाँ पर ऐसे उतार लेंगे फिर इन पंदों को हम सीधा बनाएंगे इनको बैक साइड से हमें उल्टा नहीं बुनना है फोर्थ रो में फोर्थ रूम में हमें इन्हें बैक साइड से सीधा बुनना है ऐसे देखिए उतारे हुए पंदे को उतार लेंगे तो इस रो को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे देखिए फोर्थ रो हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये वाला डिज़ाइन आपका इस तरह से आएगा सीधी साइड पर अब मैं आपको इसको रिपीट करना बताऊंगी कि इसको हमें इस पैटर्न को रिपीट कैसे करना है देखिए अब हम यहाँ पर अपना कलर चेंज करेंगे तो पहला बंदा हम ग्रीन कलर से बनाएंगे ये देखिए ऐसे और अब की बार हम ये वाला फंदा स्लिप करेंगे क्योंकि देखिए हमें ये जो तीन फंदे हैं वाइट वाले बीच का हमें ये वाला फंदा स्लिप करना है देखिए जब आपका डिज़ाइन बढ़ता जाएगा उसके बाद आपको ये नज़र आ जाएगा हमें कौन सा वाला फंदा स्लिप करना है तो ये फंदा हमने स्लिप किया उसके बाद हम इसको सीधा बुनते हुए जाएंगे अपने सेकंड कलर से ये देखिए ऐसे सीधा बुनेंगे इसको हम ये देखिए तीन फंदे हमने ग्रीन बनाए सीधे उसके बाद इस बीच वाले फंदे को स्लिप कर लिया फिर वन टू देखिए जो आपका उतारा हुआ फंदा है ये आपका बीच में आना चाहिए इस तरह से थ्री फिर एक फंदा स्लिप करेंगे उसके बाद तीन फंदे सीधे बनाएंगे ये देखिए ऐसे स्लिप करते जाएंगे और तीन फंदे बुनते जाएंगे इस फंदे को स्लिप किया फिर तो से तीन फंदे सीधे बनाए फिर इस फंदे को स्लिप किया फिर तीन फंदे सीधे बनाए ये देखिए अब हमें ये वाला फंदा लास्ट का स्लिप करना है जैसे हमने स्टार्टिंग में सेकेंड वाला लिया था और इसको हम ग्रीन से बना देंगे ऐसे करके ये देखिए इसकी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है अब सिक्स रो में देखिए हमें क्या करना है सेम वही रिपीट करना है जिस तरह से हमने ये चार चार सलाइयों से ये वाला डिज़ाइन बनाया है हमें सिर्फ उसी तरीके से इसको बनाना है ये देखिए बुना हुआ फंदा बुन के लेंगे और जो उतारा हुआ फंदा उसको हम उतार लेंगे एक दो तीन फिर उतार लेंगे फंदा एक दो तीन फिर से फंदा उतार लेंगे तो इस रो को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे देखिए सिक्स रो भी हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है अब आ जाइए सेवन रो पर इसको पूरा हमें इसी तरीके से बनाना है कि एक फंदा हम स्लिप करेंगे तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए जो ग्रीन कलर से हमने फंदा बनाया हुआ है उसको हम ऐसे बना देंगे जो स्लिप किया हुआ बंदा उसको स्लिप कर लेंगे फिर तीन फंदे सीधे बनाएंगे फिर एक फंदा स्लिप करेंगे तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे और उसके बाद जब आप बैक साइड पर आएंगे तो बैक साइड से आपको इसको सीधा बनाना है ये रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ देखिए सेवन रो हमारी कंप्लीट हो गई है इसके बाद रो नंबर एट पर आ जाइए ये लास्ट रो है इस डिज़ाइन की तो इसको आपको रो नंबर फोर की तरह बनाना है सीधा बनाएंगे हम इसको ऐसे इस फंदे को स्लिप करेंगे फिर तो सीधा बनाएंगे तीन बैक साइड से हम इसको सीधा बनाएंगे फिर स्लिप करेंगे वन टू थ्री फिर स्लिप करेंगे सीधा बनाएंगे रो नंबर फर्स्ट से रो नंबर एट तक आपको रिपीट करना है और अब आप फिर से देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि तीन फंदे आपको सीधे बनाने हैं अब आप वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा ये वाला फंदा जो ग्रीन वाला फंदा है इसको आपको स्लिप करना है तो इस तरह से ये डिज़ाइन आगे बढ़ता जाएगा आप किसी भी कलर में इसको बनाइए वाइट कलर के साथ बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ भी आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मिलते हैं एक और वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय